सोनीपत के दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय मुरथल में रविवार को हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित हुई। सरकार की इस गठित हाई पावर कोर कमेटी की बैठक तय शेड्यूल के अनुसार हुई। इसमें सोनीपत जिले के राई कुंडली और गन्नौर औद्योगिक क्षेत्र से यूनियन के अध्यक्ष मौके पर पहुंचे। इस बैठक में प्रशासन द्वारा 43 किसानों को बैठक में बुलाया गया था, लेकिन एक भी किसान बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में मौके पर मौजूद राई औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष राकेश देवगन, कुंडली औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष नीरज चौधरी और गन्नौर HSIDC के अध्यक्ष शमशेर शर्मा ने बताया कि कुंडली सिंधु बॉर्डर पर रास्ते बंद होने के चलते यहां जो औद्योगिक क्षेत्र है उनको अधिक नुकसान हो रहा है। नहीं, आगे हम तो देखिए गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस के बाद हम इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम तो ये प्रोसेस जो है उसको जारी रखेंगे। दोबारा से हम कोशिश करते रहेंगे जब तक कि कोई ना कोई इसका जो रोड खोलने का सोल्यूशन है वो नहीं निकल जाता, वो हम जारी रखेंगे। सेकंड ये है कि ऑल्टरनेटली कुछ यहाँ पर लोकल एसोसिएशन के लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कुछ अपनी दिक्कतें बताई हैं, उसको हमने देखा है और सुना है और कोशिश करेंगे कि जो जो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो ये इसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहेगा। सर, कौन सी तारीख के आदेश दिए गए आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए? ये अधिकारी तो हम ही लोग हैं सारे, यार हमने क्या आदेश दिए? अभी ये जो कमेटी बनी हुई है, सर किसानों का कहना कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका, किसानों ने रोका, हमें तो इतना पता है कि हम यहाँ मीटिंग पर आए हैं एंड जिनको बुलाया गया था वो नहीं आए हैं, लेकिन हम अपना प्रयास। किसानों का कहना है कि रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है, सर 20 तारीख कल 20 तारीख की सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है, तो प्रशासन द्वारा रास्ता बोला जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि हम लोग कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और पिटीशन को भी खारिज कर दिया था। सिर्फ यही कहा था कि जैसे नोएडा में आप लोगों ने तो उसी के लिए है, इसीलिए कमेटी भी बनाई गई है, इसीलिए उसकी कोशिश भी कर रहे हैं और आगे भी जारी रहेगी। ये तो आज एक फर्स्ट वो थी जो मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और हमें जरूर विश्वास है के साथ मीटिंग हुई है, किस प्रकार की बात विश्वास है कि कोई ना कोई इसका सलूशन निकल आएगा और लोकल लेवल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो एक जहाँ पर रुकावट है उसको दूर करने में कोशिश करेंगे कि उसको दूर। आने जाने का रास्ता, लेबर का रास्ता, ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री किसी तरह फिर दोबारा सर्वाइव हो सके। जो कोरोना कांड पहले बंद पड़ी थी और किसानों ने और ज़्यादा बंद कर दिया। सर, इससे पहले भी कई बार मीटिंग हो चुकी है लेकिन निष्कर्ष कोई निकल नहीं रहा, क्या कहेंगे? लेकिन जिस लेवल पे अब इतनी हाई कमेटी लेवल की कमेटी बनाई है और इस तरह जो सीरियस गवर्नमेंट हुई है, मुझे लगता है कि इससे कोई ना कोई हल जरूर निकले। सर, किस तरह की ज़्यादातर आपकी परेशानी रही है? सारी परेशानी, ट्रांसपोर्ट की परेशानी है, लेबर की परेशानी है, रॉ मटेरियल लाने की परेशानी है और सप्लाई जो कटिंग है सभी, सब जो बाहर की जितनी MNC थी वो नहीं आ रही, वो परेशानी है, ये सारी परेशानी है। सर, नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम राकेश देवगन है, मैं प्रेसिडेंट हूँ राई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का। शमशेर शर्मा, HSIDC इंडस्ट्रियल एसोसिएशन बड़ी का प्रधान हूँ। प्रशासन के बुलाए पर हम यहाँ मीटिंग में आए थे और आज जो मीटिंग हमारे साथ प्रशासन की हुई है वो एक तरह से सफल मीटिंग हुई है और आश्वासन दिया है कि जल्दी ही रास्ता खुल जाएगा। रास्ता बंद होने के कारण पूरे इंडस्ट्रीज़ को, राई, बड़ी, कुंडली और रामनगर साइड को सबको भारी नुकसान हो रहा है ना। तो दिल्ली, हमारे यहाँ पर तो ज़्यादातर दिल्ली की फैक्ट्री हैं, दिल्ली वालों की, वो समय पर आ नहीं पाते, दो दो तीन तीन दिन में आते हैं तो अपनी फैक्ट्री को संभाल नहीं पाते। तो हमने प्रशासन से ये रिक्वेस्ट की है कि जी हमारे को एक तरफ का रास्ता खुलवा दो ताकि हमारे को दिल्ली आने जाने में परेशानी ना हो। जिस प्रकार से आज किसानों को भी यहाँ पहुँचना था, किसान नहीं पहुँचे, लेकिन अंदर किस प्रकार से बातचीत रही है और किस बात का मतलब आपसे आश्वासन मिला गया? देखिए, किसानों का तो प्रशासन से ही होगा कि वो क्यों नहीं आए, हमें इस बारे में नहीं पता, लेकिन हमारे को प्रशासन ने बुलाया था तो हम राई, कुंडली, बड़ी की एसोसिएशन यहाँ पर पहुँची और हमने अपनी समस्याएं जो है प्रशासन के सामने रखी। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि आपकी जो सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ता खोलने का काम है, उसको जल्दी ही पूरा करवा।